हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एमसी क्रेजी सुब्रतो में। दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्तों सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिक साइकिल। जी हाँ दोस्तों, सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिक साइकिल, सोलर से चलेगा दोस्तों अपना इलेक्ट्रिक साइकिल। तो दोस्तों कैसे बनाऊंगा, क्या क्या लगेगा, कितना खर्चा आएगा, पूरी डिटेल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख पाओगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं दोनों साइड को गियर लगाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं पैदल को खोलने वाला नहीं हूँ। देख पा रहे हो, इस साइड में मैं गियर लगाऊंगा। तो चलिए कैसे लगाऊंगा आपको दिखाता हूँ। But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is... तो फाइनली हमारा का जो सोलर का फ्रेम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, साइकिल में फिट कर दिया। आप देख पा रहे हो किस तरह का ये लुक दिख रहा है। तो बनाने का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबा हो रहा था, इसलिए दोस्तों शॉर्ट वीडियो करने के लिए दोस्तों वीडियो इसका नहीं बनाया। तो चलिए देखते इसको मैं कैसे अटैच किया। देख पा रहे हो कहाँ कहाँ वेल्डिंग किया, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो हमारा साइकिल का लुक आप किस तरह से दिख रहा है, देख पा रहे हो फ्रेम लगाने के बाद। तो चलिए देख पा रहे हो दोस्तों कहाँ कहाँ मैंने वेल्डिंग किया। देख पा रहे हो इधर एक वेल्डिंग कर दिया दोस्तों, आप देख पा रहे हो है ना, इधर एक वेल्डिंग किया एक रॉड को और ऊपर लगा दिया दोस्तों, इधर भी वेल्डिंग कर दिया, ठीक है ना। देखो तो पीछे इस तरह से एक वेल्डिंग कर दिया, पीछे दो रॉड लगाया है दोस्तों। पीछे दोस्तों आप इस तरह से एक रॉड लगा पाते तो काफ़ी अच्छा मजबूत होता, लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा रॉड नहीं था, ये लगा दिया दोस्तों। काफ़ी अभी भी मजबूत है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा आराम से लगा सकते, कोई भी दिक्कत नहीं। देख पा रहे हो इस तरह से एक वेल्डिंग कर दिया इस तरह से, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। अभी करना है सोलर को फिट और देखेंगे। तो दोस्तों सोलर पैनल देख पा रहे हो, ये दो सोलर पैनल मैं यूज़ करने वाला हूँ। एक लोम सोलर कंपनी का है, जान सोलर कंपनी का, 50 वाट का दो सोलर पैनल मैं यूज़ करूँगा। मेरे पास 100 वाट का भी एक सोलर पैनल है दोस्तों, लेकिन मैं 100 वाट का यूज़ नहीं करूँगा, 50 वाट का दो यूज़ करूँगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मोटर है दोस्तों वो चलता है दोस्तों 24 वोल्ट पर, और जो हमारा सोलर पैनल है वो लगभग 21 वोल्ट प्रोवाइड करता है। इसलिए दोस्तों दोनों को मैं सीरीज में कनेक्शन करके वोल्टेज को बढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं बक कन्वर्टर की माध्यम से लगभग 24 वोल्ट में मैं रखूँगा, ठीक है ना। तो उससे हमारा चलेगा। तो चलिए मैं फटाफट में अटैच कर लेता हूँ सोलर को। तो दोस्तों हमारा फाइनली सोलर पैनल सेटिंग कर दिया, आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी देखने में। देख पा रहे स्क्रूप से दोस्तों लगा दिया, एक सोलर पैनल का चार स्क्रूप लगाया,
लगभग 8-10 ग्रुप से 2 सोलर पैनल को लगाया है। इसका ऊपर का लुक आप देख पा रहे हो दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। इसमें दोस्तों 2 फायदा होने वाला है, एक तो आपको धूप से बचाएगा, दूसरी आपको इसी धूप से पावर जनरेट करके आपके मोटर को चलाएगा, इलेक्ट्रिक साइकिल को, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसको करते हैं कनेक्शन, उसके बाद देखते हैं कैसे चलता है। इसको चलाने के लिए दोस्तों मैं 2 बैटरी का यूज़ करूँगा, UPS की बैटरी, क्योंकि दोस्तों जब धूप नहीं रहेगा तब तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा, इसलिए दोस्तों बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा। और अलग से एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, जब अच्छी धूप रहेगी उस टाइम आपको डायरेक्ट सोलर से चलाकर दिखाऊंगा इस मोटर को, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पर, सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो देख पा रहे हो दोस्तों, चलिए अभी मैं इसको करने लेता हूँ पूरा कनेक्शन, और उसके बाद देखते हैं इसको चलाकर तो कैसे ये चलता है। देख तो आप देख पा रहे हो पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, देख पा रहे हो 2 बैटरी में सामने की तरफ रखा है दोस्तों। ये रहा कंट्रोलर, इधर लटक रहा है, ठीक है ना। ये रहा चार्जिंग पॉइंट दोस्तों, इसे हमें लगाना होगा दोस्तों, सोलर की वायर को इधर लगाना है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हो पूरा कंप्लीट हो चुका है बैटरी का कनेक्शन, आप देख पा रहे हो इधर लाइट जल रहा है। तो चलिए मैं आपको सोलर को कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे हो DC-DC बक कन्वर्टर में कनेक्ट कर दिया इसके साथ, सोलर के साथ। दोनों सोलर पैनल को दोस्तों मैं सीरीज में कनेक्शन किया, क्योंकि दोस्तों सीरीज में कनेक्शन करने से दोस्तों वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज को मैं इस बक कन्वर्टर की माध्यम से कम किया। लगभग एक सोलर पैनल से लगभग 20 वोल्ट आता है, दोनों मिलाकर लगभग 40 वोल्ट आ रहा था, उसको कम करके लगभग दोस्तों मैं 26 वोल्ट कर दिया। इससे दोस्तों क्या होगा, दोस्तों बैटरी को चार्ज कर पाएंगे हम डायरेक्ट। तो इधर की आउटपुट से दोस्तों हमें इनपुट कर देना है दोस्तों बैटरी के चार्जिंग पॉइंट पर, देख पा रहे हो ये जो चार्जिंग पॉइंट बचा हुआ है दोस्तों, इसमें लगा देना है दोस्तों, इसकी आउटपुट से उधर इनपुट लगा देना है। तो क्या होगा दोस्तों, सोलर पैनल से डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करेगा, बैटरी से दोस्तों ये मोटर चलेगा। तो दोस्तों वायरिंग का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, आप देख पा रहे हो ये वायर इधर से चला गया दोस्तों, देख पा रहे हो चार्जिंग पॉइंट पर लगा दिया, ठीक है ना। तो ये सोलर से ही चार्ज होगा और चलेगा, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से दोस्तों। तो इसका लुक आप देख पा रहे हो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी देखने में। इसका वायरिंग आपको नहीं दिखाया क्योंकि दोस्तों काफ़ी आसान है दोस्तों इसको लगाना, सब कुछ लिखा हुआ होता है दोस्तों, कब कहाँ यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है ना, सब कुछ लिखा हुआ होता है, आराम से लगा पाओगे, कोई किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगा, ठीक है ना, काफ़ी आसान है इसलिए नहीं दिखाया। तो दोस्तों हमारा सोलर इलेक्ट्रिक साइकिल बन के हो गया है पूरा तैयार, आप देख पा रहे हो किस तरह का ये दिख रहा है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको 3 फायदा होने वाला है सोलर को लगाने के बाद, पहले तो आपको ये धूप से बचाएगा, दूसरी उसी धूप से दोस्तों आपको पावर जनरेट करके आपको साइकिल को चलाएगा, तीसरी दोस्तों आपको बारिश से भी बचाएगा, ठीक है ना, आप बारिश से भी चला सकते हो बारिश के मौसम में भी। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों ये साइकिल अभी भरी है इसको चलाने की, तो देखेंगे इसको चलाने के हमें कैसा फील हो रहा है दोस्तों। तो देख पा रहा हूँ मैं बैठा हुआ हूँ इधर, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको बैठा हुआ हमें। तो चलिए आप देखते हैं इसको चलाकर कैसा हमें लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।